पहली बार भैया मेरे मतलब व्लॉग बना रहे मेरे फोन से और मैं खुद ही पकड़ लेती हूँ। और यहाँ मेरी मैक्रोनी आ चुकी है जो भैया ने गला दी है ना, कितना बुरो सही है। मैक्रोनी है मम्मी, यहाँ थद थद की बैठी है, जैसा लग रहा है दुल्हन है, दुल्हन है ना, है ना माँ माँ कितना गोरा है। टॉर्च में तो आप एकदम वो खुशबू मैम की तरह लग रही है ना, एकदम मुझे तो ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों इतनी गोरी होती है एकदम दूध जैसे। बाय। सो गाइस यहाँ भी हमारी कचौड़ी आ चुकी है, यहाँ हमारी सब्जी कचौड़ी की, यहाँ कचौड़ी है मम्मी मम्मी। सो यहाँ निकल रहा है सब्जी। सो गाइस यहाँ पर अपनी सब्जी आ चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये पानी निकल रहा है, आम की सब्जी आ चुकी है जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ तो कचौड़ी भी आ चुकी है जो पीयू दो दिन जब बोल दिए लगा था, आज पीयू को मिल गया है। कैसा लग रहा है आपको बताओ? मजा नहीं आ रहा है। ये क्या है? ये लाल लाल क्या है? अच्छा ये तेल है। आपका सीख नहीं हूँ बड़ा, मेरे को रिकॉर्ड करो, बात प्लीज करो, ले 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 रिकॉर्ड कर, तेरे पे कॉपी स्ट्राइक, कॉपी स्ट्राइक मैंने कि मैं तेरे सारे सारा शॉर्ट्स और वीडियो सब डिलीट कर दूँगी। ये मुझे, अरे दो को नहीं नहीं एक ही, मुझे एक चम्मच भी चाहिए, दो कचौड़ी चाहिए। हाँ दो ही कचौड़ी दे दीजिए और पापा को चौगस खाने पीने के बाद मतलब भैया का मुँह देख लीजिए। गाइस आप गेस करिए मेरे सिर पे क्या है, मुझे चोट लगी है या तो भैया ने मेरे पे राम लिखा है, लक्ष्मण ने सीता लिखा है, राम लिखा है, ये भैया ने कलर से लिखा, आपको समझ में नहीं आ रहा तो पड़ेगा, ये राम आपकी मदरा मम्मे आपकी मदरा माँ राम सिर्फ भी कॉल लगे थे। बच्चों जैसे गाना मत गाओ, तुम हो बड़े बना रही है ना माँ, आपको रोटी बनाने में कैसा लग रहा है, बनाने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, कैसा लगना चाहिए? मैं आटा ले लूँ थोड़ा सा, मैं आटा ले लिया गाइस। तो आटा क्या करेगी तुम? स्लाइम बनाना है इसका। नहीं स्लाइम वैसे नहीं बनता, स्लाइम मतलब पानी में ऐसे ऐसे जो जैसे आप पीहू सुनो, मैं खाना बनाती हूँ ना रोटी सब्जी, जाके तुम और पापा खाना खा लो। तो पापा ना मैं सब नहीं खाते हैं, बार बार एक ही बात समझाना पड़ता है बेटा तुमको। क्या उसका नाम तो पता नहीं है हमको, तुम्हें जीवन में कभी पता भी नहीं चलेगा, इतनी तो ना बेवकूफ लड़की है, खाना नहीं खाएगी बताओ, काम कर करके सुबह से मैं थक गई हूँ, अभी भी तुम ही लोग के पीछे लगी। तो पापा मैं सब नहीं खाएंगे ना, क्योंकि वो मुझे बहुत डांटते हैं, मारूंगी चपेट। हां ना यार झूठ बोलना कभी सीख नहीं, नहीं खाने मुझे, जा खाना खाओ। क्यों नहीं खाना ये तो बताओ? क्योंकि मैं तो खाऊंगी पर पापा भी तो खाएंगे, तुमने अलग प्लेट में दे दीजिए।
दोनों को मैं दे दी हूँ साथ में, जाओ जाकर खेलो। लाल लाल स्वेटर में दो, तुम बड़ी अच्छी लग रही हो। लाल नहीं, फटा हुआ स्वेटर। कहाँ से फटा, दिखा दिखा, वो फटा हुआ बटन खुले हुए हैं। अच्छा तो फिर तो फिर आप लगा लिए। अरे हाँ तो लगा देंगे। क्या जल्दी जल्दी तुम लोग खाना खा लोगे ना, तो फिर मैं जल्दी से आराम भी करूँगी। पता है तुम्हें थक जाती है ना मम्मी काम कर करके बेटे। हाँ और तुम तो मम्मी की हेल्प भी नहीं करती हो। करती हो मम्मी की मदद? ये क्या माथे पे राम लिखी है, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है देखो। मैं राम का भक्त हनुमान, मैं राम भक्त हनुमान। इसको कोई इतना भारी बैग रख देता है। आ जाओ खाना खा लो भाई। डरावना ऊंची चाल मंगा सुना मैं सच का नहीं सुना। हमेशा नहीं गाते हैं, गंदी बात होती है। ये राष्ट्रीय गान है, इसका अपमान नहीं करना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय, हमारा झंडा, हमारा राष्ट्र नहीं, तो हमेशा कभी भी बड़बड़ाना नहीं चाहिए। इसको फेस्टिवल पे गाते हैं, जब जब हमारा फेस्टिवल आता है ना, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, ठीक है, या आज़ादी को लेके और कोई बड़ा दिन, या हनुमान, अरे क्या होता है 26 जनवरी, छन्नागरी नहीं 26 जनवरी, उसको कौन सा दिन होता है? हे भगवान, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस, जिस दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ, जिस दिन हमारे भारत में हर एक आदमी को कानून संविधान मिला, उसको एक नियम मिला, उस नियम में हम सब नागरिक बंधे हैं, उसको कहते हैं 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस। हाँ तुमको नहीं सिखा रिया तो किसको सिखा रिया? रिया गुड़ खा लो रिया, ऊपर वाले सीख लो तुम भी, नीचे वाले तुम भी सीख लो। चलो ठीक है, एक सेकंड मुझे एक क्या, एक सेकंड, एक गंदा सा मुंह बनाना, बनाओ जोकर की तरह बनाना। जोकर कैसा दिखता है? इसीलिए नाम है प्रज्ञा फनी ब्लॉग, इसका चैनल का नाम है फनी ब्लॉग। अभी ऐसे चली जाओ, लग जाएगा। दो बेलन क्या होता है? बेलन, बेलन। अच्छा, चल हट जा, मार तुम्हें, सही बता रही हूँ। अरे भाई क्यों ड्रामे कर रही है, ला ना। रख भाई कट्टा। अब्बा जाओ खाना खा लो, छोड़ो इसे। ये बड़ा खाना खाऊंगी, मार खाएगी। पर मैं साथ में नहीं खा सकती। क्यों? पापा बोलता है।